आइए जानते हैं कि क्या है आज के बीबी फॉर्डन के एपिसोड का पूरा रिव्यू विद वन एंड ओनली काजल सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, अगर हम बात करें बिग बॉस सीजन फॉर्डन के एपिसोड के बारे में, तो दोस्तों रियली आई एम सेइंग कि मुझे स्पेशली आज का बिग बॉस सीजन फॉर्डन का एपिसोड देख के मजा आ गया। ऐसा लगा कि भाई हाँ, बिग बॉस वापस आ गया है, क्योंकि इतने दिनों से जिस तरीके से कंटेस्टेंट शो में जो है एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, इसके चलते हम सभी बोर हो गए थे, लेकिन आज शो में कंटेस्टेंट्स ने पूरा एंटरटेनमेंट दिया। शो की शुरुआत होती है पवित्रा और इजाज खान के लव स्टोरी से, जहाँ पे पवित्रा कन्विंस करती है कि हाँ वो कहीं ना कहीं इजाज खान के लिए फील करने लगी है। वेल, घर में आता है फिर एक टास्क जिसमें कंटेस्टेंट्स को जो है इम्यूनिटी पाने के लिए अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करना पड़ेगा और एक गार्डन तैयार करना पड़ेगा। इस टास्क का नाम होता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई नाम इतना डेंजर है तो सोच लो टास्क कितना डेंजर होगा। ऐसे में घर के सदस्य को दो टीम्स में डिवाइड कर दी जाती है, टीम ए और टीम बी, जहाँ पे टीम ए में होते हैं अभिनव शुक्ला, रूबीना, उनके साथ साथ जैस्मिन भसीन और जॉन कुमार शानू। तो वहीं पे सेकंड टीम में होते हैं, अगर हम बात करें सेकंड टीम की, निशान सिंह मलखानी, पवित्र पुनिया, इजाज खान और राहुल वैद्य। भाई कंपटीशन तो बहुत तगड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब निकी तांबोली को बना दिया जाता है शो का संचालक, यानी कि इस टास्क को जो है निकी तांबोली संचालक करेगी और एंड में जो भी रिजल्ट आएगा निकी तांबोली के फैसले से ही आएगा। शो में सुपर सीनियर्स जो है दुकानदार का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हीना खान जो है फूल की दुकान संभाल रही है, तो वही गौहर खान जो है मिट्टी बेच रही है, तो वहीं पे सिद्धार्थ शुक्ला स्पंचेस और मैट्स बेच रहे हैं। फिर ऐसे में कंटेस्टेंट्स को इन सुपर सीनियर्स को इम्प्रेस करना पड़ेगा और तब जाके उनको मट्टी और फ्लावर और सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे में आज भाई बोलना पड़ेगा, राहुल वैद्य ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरीके से राहुल वैद्य ने सुपर सीनियर्स को इम्प्रेस किया, उनको जो है रिझाया, हैंड्स ऑफ टू हिम, मजा आ गया। इजाज खान ने भी कम मेहनत नहीं की, इजाज खान ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। और अगर हम बात करें दूसरे टीम के बारे में, तो उस दूसरे टीम से जॉन कुमार शानू ने पूरी मेहनत की और पूरे एफर्ट्स डाले हैं। सभी कंटेस्टेंट्स ने आज के इमीडिएट टास्क में जो है जी जान लगा दी। शो में काफी मजा आया और शो के एंड में हमने देखा कि जॉन कुमार शानू पड़ चुके हैं निकी तांबोली के प्यार में। तो ऐसा रहा आज के बिग बॉस सीजन 14 का पूरा रिव्यू। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इसको लेके, और इम्यूनिटी टास्क आज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।